डॉक्टर सत्या उपाध्याय जी, ये जानना मुझे है कि अगर रचना का अनुवाद, किसी भी कृति का अनुवाद, उसको दूसरा स्वरूप देना है दूसरी भाषा में, और यह एक बेहद श्रम साध्य कार्य है और सृजनात्मक काम है, तो अनुवादक, जो अच्छे अनुवादक हैं, वह उतनी मेहनत में अपनी खुद की कृति भी लिख सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि तमाम पुराने जितने भी हमारे हिंदी और बांग्ला के बड़े लेखक रचनाकार हैं, जो भी बड़ा हम नाम लेंगे, यहाँ तक कि प्रेमचंद और टैगोर का भी नाम ले सकते हैं, इन सब ने अनुवाद कार्य किया और बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर किया है और बहुत महत्ता के साथ किया है, और बड़े ही जो उनका अनुवाद है वह दिखता है उनका श्रम। क्या अनुवाद आज के समय में, जो अनुवाद जो लोग कर रहे हैं जैसे आप लोग हो, उतनी ही गंभीरता से कर रहे हैं, और क्या उनको वह सम्मान मिल रहा है? ये दो सवाल मैंने एक साथ पूछे। जयप्रकाश जी, आपने दो सवाल मुझसे एक साथ किए। पहला आपका सवाल है कि जो रचना की जाती है या रचनाकार जो होता है, तो हमारे वह और अनुवादक जो अनुवाद करता है, तो जितने श्रम साध्य से वह अनुवाद करता है उतने ही समय में वो अपनी एक रचना लिख सकता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ रचनाकार को स्वयंभू कहा गया है, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। वैसे ही रचना, किसी भी तरह की रचना, चाहे वह कविता रचना हो, चाहे वह उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, या आलोचनात्मक रचनाएं ही क्यों ना हो, मैं समझती हूं कि इसका मूल अंतर्निहित गुण प्रतिभा का होता है। जिसके अंदर ये प्रतिभा होती है वही इस तरह की रचनाएं कर सकता है। बहुत श्रम साध्य से हम आलोचक या दो चार पुस्तकों की आलोचना तो कर सकते हैं, किंतु सही अर्थों में आलोचक के रूप में यदि आलोचक की प्रतिभा हमारे पास नहीं है तो हम आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। उसी तरह मैं मानती हूं अनुवाद कला की भी, अनुवादक की भी एक विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र की विशिष्ट प्रतिभा होती है। कोई साहित्य का, कहानी का अनुवाद अच्छा करता है, कोई कविता का भी अनुवाद अच्छा करता है, कोई कविता और कहानी या उपन्यास दोनों का अनुवाद अच्छा करता है, कोई विज्ञान का अनुवाद करता है, कोई तकनीकी का अनुवाद करता है, और इनके लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो भाषागत ज्ञान और दूसरा उस विषय, विशिष्ट विषय का ज्ञान भी जरूरी होता है। तो ये एक अलग तरह की प्रतिभा है। हम अनुवाद कर सकते हैं इसलिए हम अपनी रचना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं मानती हूं कि साहित्य रचना के जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र में प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, बहुत दिन हो गए यदि मुझे याद है तो, ये तीन शर्तें हैं और प्रतिभा उसमें महत्वपूर्ण शर्त है। तो अनुवादक के पास भी अनुवाद करने की क्षमता होती है, वो एक अंतर्निहित प्रतिभा होती है। अब आपका दूसरा प्रश्न जो रहा है कि हमारे जितने बड़े कवि या लेखक हुए सबने, निराला ने अनुवाद किया है, दिनकर ने अनुवाद किया है, प्रेमचंद ने अनुवाद किया है, या जितने भी साहित्यकार रहे हैं प्रायः सभी ने, और उनके साहित्यकारों के साहित्य के अनुवाद ही, यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने भी अनुवाद किया है, तो उनके अनुवाद ही श्रेष्ठ अनुवाद हुए हैं। और वो जब रचनाएं, उन रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो कहीं से भी उल्था होने का भाव हमको नहीं दिखता, बल्कि उन रचनाओं में हमें उसके ओरिजिनल का भाव हमें समझ में आता है।
दूसरी चीज इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जो मैं समझती हूँ, जितना मैं जब पढ़ रही थी इसके संदर्भ में आपके इस के अनुवाद जरूरी है क्योंकि, तो मुझे ये समझ में आया कि इस पर फिर मैंने बहुत चिंतन किया कि एक अनुवादक के लिए आवश्यक क्या होता है। जब हम एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों की दक्षता होनी चाहिए, पूरी दक्षता होने के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि लोकोक्तियों का, मुहावरों का और इन चीजों का अनुवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो दूसरी भाषा के, जो हमारी लक्ष्य भाषा के जानकार लोग हैं, उनसे हमें मदद भी लेनी पड़ती है। इसी संदर्भ में मैं एक बात बताऊं कि जब अकबर ने महाभारत का अनुवाद कराया था तो उन्होंने क्या कहते हैं मकतब खाना स्थापित करवाया, अनुवाद घर स्थापित करवाया था, और महाभारत के अनुवाद के समय उनके फारसी के जानकार लोग तो थे ही, उन्होंने एक टीम बनारस से बुलवाई थी पंडितों की कि जो प्रत्येक अंश पर डिस्कशन करते थे और उसके पश्चात उसका अनुवाद निर्धारित किया जाता था, और एक एक सूत्र पर प्रायः दो दो दिन परिचर्चा चलती थी और तब एक बार वो अनुवाद हुआ। इसी संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारे देश में 121 भाषाएं बोली जाती हैं। हम अंग्रेजी या दूसरे देशों की अन्य भाषाओं की बात नहीं करते हैं, अन्य देशों की, अपने ही देश की भाषाओं की। यदि उनमें लिखे गए साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि उस जाति की, उस प्रदेश की, वहां के लोगों की, अभी यह वैश्विक बाजार है, सब कुछ टीवी पर, इंटरनेट पर, नेट पर उपलब्ध है, फिर भी जितना कुछ हम साहित्य के माध्यम से, मैं सिर्फ साहित्य की बात कर रही हूं, साहित्य के माध्यम से समझ सकते हैं उतना नेट पर या गूगल के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसलिए अनुवाद साहित्य का और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों का भी जरूरी है। और एक बात मैं खोज रही थी, मैंने कहीं पढ़ा था और ऐसे भी हमारे वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, हमारे प्राचीन समस्त ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, और उसके बाद मेरे कई मित्रों से जब बात हुई तो उन्होंने वेदों को अंग्रेजी में पढ़ा, संस्कृत में नहीं पढ़ा। अब समझने की बात यह है कि जिस अनुवाद को हम पढ़ रहे हैं वह कितना ऑथेंटिक है। गूगल के द्वारा किए गए अनुवाद को हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि छोटी छोटी बातों का आप अनुवाद करके देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए गूगल का अनुवाद असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता।